हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, 9 o'clock अराउंड कुछ पहुंचे थे हम लोग हरिद्वार से। तो हरिद्वार से हम बेसिकली, हमारा पर्पस यही था कि हम जल लेके आएंगे यहाँ पे। जैसे श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे शिव जी पे जल चढ़ाना है हमें, गंगा जल। तो उसी के लिए हमने ये ट्रिप करी थी। पिछले व्लॉग्स तो आपने देखे ही होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लास्ट हमारी ट्रिप थी मसूरी, ऋषिकेश एंड हरिद्वार की। तो वही है, जल लेके आए हैं। अब आई एम ऑलरेडी नहा लिए, सब का काम हो गया है। 11:30 के राउंड कुछ हो रहा है और अब हम निकल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं शिव जी के, जो पास में ही घर के मंदिर है, तो वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो यही पर्पस था, मतलब कावड़ तो नहीं हो पाई बच्चे के साथ में, लेकिन हाँ, ये हमारा पर्पस था कि चलो गंगा जल ले आएंगे इस महीने, श्रावण महीने, और शिव जी की जो है, शिव जी पर गंगा जल चढ़ा देंगे। तो अभी मैं, मम्मी, बेटू सब रेडी हैं, मनीष थोड़ा सा रेडी होते हैं एंड देन फिर हम लोग जाते हैं। तो आज चलो शिव जी के दर्शन करवाते हैं आपको और आज जल भी चढ़ाएंगे। वी ऑल आर इन ग्रीन, बेटू, मैं, इसके पापा ने भी ग्रीन पहन लिया फिर, और दादी ने भी, तो हम चारों ही ग्रीन पहन के जा रहे हैं सावन के महीने में। क्या हो गया, क्या हो गया, इसको अटेंशन सीकर है पूरी, मेरे पे ध्यान दो भाई। तो ये हमारी पूजा की थाली है, ऐसी दो पीपियाँ हैं, एक मनीष के पास है ऑलरेडी, तो ये हम लेके आए हैं हरिद्वार से। तो चलिए चढ़ाते हैं पहले गंगा जल। बारिश के मारे परेशान थे, कितनी बारिश आ रही, इतनी बारिश आ रही है। हाँ, फिर कल इतनी, हाँ कल इतनी धूप पड़ी। हाँ, परसों के दिन पूरी बारिश, कल पूरा गर्मी। मेरा तो सिंदूर भी यहाँ तक आ गया, नीचे तक। दही लेके चलते हैं फिर, ठीक है, आधा किलो हो जाएगा। तो सही काम हो गया, कोई बात नहीं, कावड़ नहीं लाए तो कम से कम गंगा जल चढ़ गया भगवान जी के। यही था सावन में मेरे को कि चलो
अगली बार ये बड़ी हो जाएगी तब देखेंगे कावड़ का। कम से कम अगली बार तो 2 साल की होने को आएगी है। पहुंच गए हैं घर, रूम में, और ना एसी चलाया सबसे पहला काम। देख रहे हो गर्मी के मारे इतनी हालत ख़राब हुई है, सिंदूर यहाँ तक आ गया। अभी बस ऑफिस का काम लेके बैठ गई हूँ, टाइम हो गया है तो खाना बनाएंगे मम्मी, मैं जो है काम करूँगी ऑफिस का खाना। इन द सेंस आज ना 3-4 दिन से होटल ही होटल का, मतलब बाहर का खा रहे हैं, तो इसलिए अब सोचा है सिर्फ दही के साथ रोटी खाएंगे। तो मनीष दही ले आए, अब थोड़ी देर में रोटी वोटी बना लेंगे मम्मी, और उसके बाद में जो है खाना खाएंगे लंच, क्योंकि ना सुबह जल्दी के उठे हुए हैं, 3:30 बजे के उठे हैं हम लोग ना, और मुझे तो दिन भर काम करना है, ये तीनों तो सो जाएंगे। तो कोई ना, मैं फिर, पर रात को मुझे ये जल्दी नहीं सोने देती है, दिक्कत ये है, ये सो भी जाती है कोई बार 9 बजे, और कई बार ऐसा होता है 12 बजे तक नहीं सोती है, ऐसा काम है इसका। अभी जस्ट उठ के आई है ये मनीष और इसकी दादी, तीनों फुल नींद निकाल रहे हैं मतलब, और मेरी आँखें ऐसी हो रही थी, मतलब वही ना सुबह मॉर्निंग के 3:30 बजे से उठे हुए हैं हम लोग ना, पर मेरे को तो ऑफिस का काम करना है। मैंने एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी पी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब मैं देन ऑल्सो फिर भी ऐसे झूम रही हूँ मतलब लैपटॉप के सामने। मैंने एटलीस्ट मेरा वर्क फ्रॉम होम लेना थोड़ा तो काम है, एटलीस्ट आप घर पे हो तो इधर उधर घूम लो और थोड़ा सा वैसे कर लो कि आपकी नींद उठ जाए, बट ऑफिस में तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने जो है वर्क फ्रॉम होम ले लिया कि यार एटलीस्ट आज का दिन तो मैं वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ, तो इसलिए। बाकी ये उठ गई, इसने इसके पापा को भी उठा दिया है ना, दादा उठ गए बेटा, उनको भी उठा दिया, उनके पेट पे जाके सो गई। आई वो बता रहे मेरे को कि पहले तो ना ऐसे आग के मेरे को ऐसे 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 देखती रही, फिर मैं ऐसे पूरी आँखें नहीं खोल के ऐसे 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 करके इसको देखता रहा, मैं उठ तो गया था, फिर देखती रही, फिर जैसे ही आँखें खोली ऐसी आई मेरे पास कि हो 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 ऐसे करती है ये, है ना, कैसे कहते ऊ कबूतर की तरह। फिर बस दोनों खेल रहे थे उधर, अब मैं इसको लेके आई हूँ, मैंने कहा सोना है तो वापस सो जाओ। मैं तो छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा करने लगी, मम्मा बोलो ना, आज आज क्यों कर रहा है, देख बेइज्जती नहीं करा था ऐसे, मम्मा पता नहीं क्या बोल रही है, मम्मा मम्मा, फिर मैं नहीं दिखाऊंगा कुछ भी, मम्मा मम्मा। कुछ नहीं बोलना अभी इसको, बस मेरा लैपटॉप दिख रहा है सामने सामने दिख, और इतनी जिद्दी हो गई है, इसको कुछ ना दो तो भाई आतंक मचा रही थी। चलो अभी आई एम कंटिन्यूइंग माय ऑफिस का वर्क, इधर में चल रहा है, ये भी ऐसे बैठा है मेरे पास जैसे ये काम कर रहा हूँ एकदम। इस व्लॉग के साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, बाय बाय।